हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माथीस पर चैनल। त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, पूजा पाठ करना है और आपकी मासिक या पीरियड की डेट जो है उसी समय आने वाली है, या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है और आपकी पीरियड की डेट उसी समय आने वाली है और आप पीरियड डिले करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आप जानेंगे कि डॉक्टर से कंसल्ट करने पर आपको कौन सी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपके पीरियड डिले हो जाते हैं। दूसरी बात, पीरियड कितने दिन तक डिले हो सकती है, मेडिसिन नहीं लेने पर पीरियड कब तक आता है, क्या ये मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है, अगर पीरियड नहीं आती है तो क्या करना है। अगर आपको पीरियड डिले करना है तो आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर से मिलने पर आपको डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका जो कंपोजिशन होता है मिली टैबलेट नॉरेथिस्टोन होता है और इसको 5 मिलीग्राम बीडी दिया जाता है। आपको ये मेडिसिन कब लेनी होती है, आपका जो भी पीरियड डेट है कम से कम उसके 3 से 4 दिन पहले शुरू करना है, और उसके बाद जब तक आपको पीरियड नहीं चाहिए तब तक आपको दवाई लेनी है। अब दूसरी बात यह है कि मेडिसिन छोड़ने पर पीरियड कब आता है, तो जब आप मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं पीरियड डिले करने का, तो उसके 3-4 दिन के अंदर आपकी मासिक आ जानी चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि क्या ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम नहीं करता है। अगर आपने दवाई छोड़ी है और उसके 3-4 दिन के बाद भी आपके अगर पीरियड नहीं आए हैं और आप शादीशुदा हैं और आपने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है, तो आपको 1 हफ्ते बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आपके पीरियड नहीं आए हैं। अब जान लेते हैं कि मेडिसिन काम कैसे करती है। हमारा जो मासिक चक्र होता है उसमें गर्भाशय की लाइनिंग बनती है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण लाइनिंग बनती है। तो जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट नहीं होता है, तो यूट्रस की जो पश्चतानी की परत होती है वो झड़ जाती है और उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो पश्चतानी की परत है उसको हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो हम प्रोजेस्टेरोन टैबलेट देते हैं तो उसकी परत और मोटी होती जाती है। और उसके बाद जब प्रोजेस्टेरोन टैबलेट हम लोग छोड़ देते हैं खाना, तो उसका सपोर्ट नहीं रहता है लाइनिंग का और वो विड्रॉल ब्लीडिंग के रूप में वो जो है मासिक के रूप में निकल जाता है। मेडिसिन लेने से पूर्व आपको क्या सावधानी लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या पीरियड डिले करना सेफ़ है, तो हाँ ये बिल्कुल सेफ़ होता है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि क्या इस पर फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पीरियड डिले हो सकते हैं, हाँ पीरियड डिले हो सकते हैं क्योंकि आपने पीरियड डेट बढ़ाया है, तो जिस डेट पे मासिक आएगी दवाई छोड़ने के बाद, तो उसी के डेट पे अगले बार मासिक आपकी आनी चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर जेन्युइन प्रेगनेंसी अपडेट्स। स्टे हेल्दी, बाय बाय।